नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्बा गणी, राम राम से आप सभी को ऑल इंडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सोशल एंड मीडिया कमेंटेटर अभिषेक बैनर्जी जी, एंड आज का मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द बैंक्स। अभिषेक, लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट टू यू। जी थैंक यू गायत्री, आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे इज द ट्रू अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। जितने भी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स रहे हैं, इकोनॉमिक में एक एफर्ट्स रहे हैं, उनमें शायद अगर सबसे बड़ा रहा है तो वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचाना। एंड आई गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो ग्राफ सबसे पहले स्क्रीन पर डाल दें। ये ग्राफ आप ध्यान से देखें तो दिस इज ये बता रहा है कि हमारे टोटल जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके टोटल मुनाफे का ग्राफ है। और इसमें आप साल दर साल देख सकते हो कि इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और अचानक से गिरने लगता है। आई वुड सजेस्ट कि आप ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करें ताकि साल भी हम देख सके। जो स्केल है ग्राफ को थोड़ा ऊपर करें, नो अदर डायरेक्शन। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और अचानक 2013 में कुछ होता है और उसके बाद से ग्राफ बहुत धड़ाम होने लगता है और नीचे की तरफ जाता है। और देखिए 14 15 16 आते आते लॉस में चला गया। तो ये ग्राफ जब मैंने ध्यान से देखा तो ये आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इस बात को समझिए, इकोनॉमी तभी होती है जब आपके बैंक ठीक होते हैं। अगर बैंक नहीं है तो आपकी इकोनॉमी नहीं बची। ऐसा क्या हुआ है? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 2013 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनकी सारी प्रॉफिट्स धड़ाम होने लग गए? अगर आप याद करोगे तो 2013 वो साल है जब मनमोहन सिंह रघुराम राजन को लेकर आए और रघुराम राजन को काम दिया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में दरअसल हो क्या रहा है, उनकी बैलेंस शीट खोल के देखो क्या अकाउंटिंग हो रही है, कहीं अकाउंटिंग ट्रिक्स की वजह से। ऑफकोर्स मनमोहन सिंह को आशंका तो रही होगी कि अकाउंटिंग ट्रिक्स की वजह से गलत प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं। आप अकाउंट्स को खोलिए, बैलेंस शीट्स को पढ़िए और बताइए कि सचमुच क्या मुनाफे में है। और उसके बाद इसीलिए मैं कहता हूं कि ये ग्राफ रोंगटे खड़े कर देना चाहिए। आप देखिए कि क्या हाल हुआ। जैसे ही बैलेंस शीट असल में खुली तो चीजें धड़ाम से गिरने लग गई। और जब मैंने इस टॉपिक को स्टडी करना शुरू किया कुछ दिन पहले तो सबसे पहले तो मैंने एक टर्म सीखा, एक नई बात सीखी जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अर्थात कि आरबीआई किसी बैंक से कह रही कि अभी के अभी करेक्टिव एक्शन लो क्योंकि आपकी बैंक की हालत बहुत ही खराब है। सो आरबीआई की एक अलग फ्रेमवर्क होती है जिसको कहते हैं पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और इस टर्म को आप, ये नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने चेकअप करके आपको बोला है कि भाई गायत्री जी, आपको अपनी सेहत को बचाने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हालत बहुत ही खराब है, राइट? हुआ क्या कि जब ये अकाउंट्स खुले और बैलेंस शीट्स पढ़े गए तो आरबीआई को 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क में डालना पड़ा। क्योंकि इन बैंकों की, जैसे आप पढ़ सकते हैं, डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल हेल्थ। तो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारे देश में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक फेल हो जाते तो इस देश का क्या हाल होता, राइट? और इसका रीजन क्या है, आप देखिए उनके जो बैड लोन्स थे 14.58 अर्थात 14.6% तक उनके एनपीएस पहुंच चुके थे। ये तो हुआ रघुराम राजन का काम। रघुराम राजन का काम था एज गवर्नर कि पता करना कि बैंकों में चल क्या रहा है। तो ये गवर्नर का काम था। बट अब सरकार का काम क्या है? पहली बार तब तक तो मोदी सरकार आ चुकी थी 14 तक, 2014 में सरकार आने के बाद रघुराम राजन का काम था कि प्रॉब्लम क्या है पता करो। लेकिन सिर्फ पता करने से थोड़ी ना चलेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो यही जो चेंज लाई फिर मोदी सरकार का ये काम रहा कि जो बैंक जो बहुत बुरी हालत में है, डूबने की हालत में है, इन पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाया जाए और उन्हें उन्हें ठीक से रिकैपिटलाइज किया जाए, उन्हें फिर से खड़ा किया जाए। इसमें मैं फिर से आपके सामने एग्जैक्टली तो इसी में मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। ये है मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टर्निंग टर्न अराउंड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो घाटा दरअसल कितना हुआ था, जो 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होकर के 2019-20 तक के फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं कि जो टोटल लॉसेस हुए पब्लिक सेक्टर बैंकों के, जब खाते खोले गए, जब बही खाता चेक किया गया, पता चला कि जो कुल घाटा है, टोटल लॉस है, पूरे 2,07,000 करोड़ का लॉस है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, पीएसबीज बुक कलेक्टिव लॉसेस टू द ट्यून ऑफ 2,07,329 करोड़ फॉर 5 स्ट्रेट ईयर्स।
मतलब जब बही खाते असली में खोले गए तो पता चला कि असल घाटा हुआ है 2,07,329 करोड़ का। तो ये कितना बड़ा घाटा है, आप खुद ही सोचिए। तो इस हालत में से, और इसीलिए आरबीआई को 11 बैंकों को करेक्टिव एक्शन की लिस्ट में डालना पड़ गया। लेकिन आज हालत क्या है, हालत कैसे बदली है, अब फिर से वही बिजनेस स्टैंडर्ड का वही हेडलाइन आप पढ़िए कि आज हालात कितने बदल चुके हैं, कि जिन बैंकों को 2,07,329 करोड़ का नुकसान हुआ था विगत लास्ट, सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और ये कलेक्टिव भी नहीं है, सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको कुल मिला के 1,04,000 करोड़ का फायदा हुआ है। सो 2 लाख करोड़ के क्यूमुलेटिव नुकसान से आगे बढ़ करके 1,04,000 करोड़ का फायदा सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उससे पहले भी जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 60, मैं बता देता हूं नंबर, आप चेक कर सकते हैं, 66,000 करोड़ का फायदा हुआ। तो लास्ट, सो 22-23 का जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसमें 1,04,000 करोड़ का फायदा हुआ, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में 66,000 करोड़ का फायदा हुआ। और तो ये फायदा कब हुआ, जबकि जितना जो जहर जो बचा हुआ था यूपीए के सालों में से वो धीरे धीरे हट गया, 11 बैंकों को जो जो प्रोटेक्टिव एक्शन, जो करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क में थे उनको ठीक किया गया, कुछ को मर्ज किया गया, कुछ को रिकैपिटलाइज किया गया। सो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब प्रॉफिट जब धड़ाम से गिरे और जब ये चीजें बाहर आ रही हैं, सबसे आपको हर मोर्चे पर आपको सफल होना है, क्योंकि जब आरबीआई ने इनको करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क में डाल दिया फिर तो सबको पता चल गया, तो हर न्यूज़पेपर में आ गया है कि ऐसा हुआ है। तो उस समय तो पैनिक भी फैल सकता था, देश में भगदड़ भी मच सकती थी, आपको सबसे पहले उस पैनिक को कंट्रोल करना था। देश के जितने भी अंदर जो उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर हैं, आम जनता है, सबको रिअश्योर करना है कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, बैंकों को ठीक रखा जाएगा। सिर्फ देश के लोगों को रिअश्योर करने से थोड़ी ना होगा, देश के बाहर के भी जो लोग हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी आपको रिअश्योर करना पड़ेगा कि हमारे देश के बैंक स्टेबल हैं। अगर आप कह दोगे कि हमारे 11 बैंकों की हालत बहुत खराब है, फिर तो हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, सॉवरेन रेटिंग गिर जाएगी, सब सब कुछ मुसीबत में आ जाएगा। और इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया आपने कि आपने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल यहाँ डाला। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल क्या कहता है कि यही जो चीज जो आप ग्राफ में देख रहे थे वही चीज यहाँ पर इकोनॉमिस्ट शब्दों में कह रहा है, और उस इकोनॉमिस्ट का हेडलाइन है, इंडियाज वंस ट्रबल्ड बैंक्स आर नाउ जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, कि बैंकों की हालत बहुत ही खराब थी लेकिन अब वो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रही है। तो आप इस इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के टेक्स्ट के अंदर जाएं, मैं आपसे कहूंगा। अगर आप शब्दों में कहें, वही जो ग्राफ थी यही बात, वो ग्राफ जो बात बता रही थी, जो दर्शा रही थी, वही चीज यहाँ पर आप शब्दों में पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2010s इंडियन बैंक्स रिपोर्टेड नंबर्स दैट वर स्ट्रॉन्ग बट अनबिलीवेबली सो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन कह रहा है, और इकोनॉमिस्ट मैगजीन के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं, मोदी सरकार के साथ कैसे रिश्ते हैं, वो तो सभी जानते हैं, वो हमारे बिल्कुल भी फैन नहीं है, इस ना देश के ना मोदी सरकार के। तो अगर वो प्रेज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि रही है। तो वही जो चीज आप देख रहे थे कि ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था 2010 2011 में, दिख रहा था कि प्रॉफिट है, और लेकिन इकोनॉमिस्ट मैगजीन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट तो देखने में तो स्ट्रांग लग रहा है लेकिन ये अनबिलीवेबल है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इन नंबर्स पे। इसीलिए रघुराम राजन को लाया गया कि यू नो बही खाते खोलो और चेक करो कि दरअसल प्रॉफिट हो भी रहा है या सिर्फ अकाउंटिंग ट्रिक चल रहा है। और जो जिस बात का डर था वही हुआ, धीरे धीरे ये चीजें बाहर आती गई और आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। और इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी खुद कह रहा है यू नो इनके जो प्रॉफिट्स हैं देखने में तो बहुत बड़े लग रहे थे पर दिस प्रॉफिट सीम्ड अनबिलीवेबल, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो इतनी बड़ी टर्न अराउंड ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, 2 लाख करोड़ के घाटे से उसको उठा करके चढ़ा करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 1 लाख करोड़ के सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट में लाया गया, उसके पिछले वर्ष में 66,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब जबकि ये हो चुका है, अब जबकि जो क्राइसिस है वो लगभग बीत चुका है। सो टू दो अच्छी चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस साल अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है, नहीं जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है जो अभी अभी खत्म हुआ है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट बढ़ चढ़ के 59% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है एसबीआई के प्रॉफिट में। एसबीआई तो सबसे बड़ा बैंक है तो उसके जो प्रॉफिट्स है वो इकोनॉमी के कंडीशन को भी दर्शाते हैं, जनरल बैंकिंग के भी कंडीशंस को दर्शाते हैं। तो एसबीआई को 59% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं एज अ साइड नोट मैं मजाक उड़ाना चाहूंगा ऑपोजिशन के उन लोगों का। एक तो आपने बैंकों की हालत इतनी खस्ता कर दी, लेकिन आपको याद होगा कि जनवरी मार्च के दौरान, जनवरी और मार्च के बीच विपक्ष के कई नेता वो प्लेकार्ड और बैनर लेकर आए थे कि सेव एसबीआई,
सेव एसबीआई फ्रॉम व्हाट यार? सेव एसबीआई फ्रॉम मेकिंग 59% प्रॉफिट ग्रोथ? लॉस में तो तुम्हारे तुमने तो हालत ऐसी कर दी थी कि 11 बैंकों को करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डालना पड़ गया, और अभी अभी 59% प्रॉफिट हो रहा है ईयर ऑन ईयर, तो पूछ बोलते हो सेव एसबीआई एंड नॉट अच्छा अभिषेक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप ये 11 बैंक्स बोल रहे हो, डू वी हैव मतलब ये 11 बैंक्स ये वाले हैं, आई थिंक आपने शेयर किया था लिस्ट, लेट्स जस्ट मेंशन इट डाउन। आई थिंक जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसमें है, या फिर डीएनए का जो आर्टिकल है, आई थिंक दैट गिव्स द लिस्ट आल्सो। हाँ ये देख सकते हैं आप, आरबीआई पुट 11 स्टेट रन बैंक्स अंडर द पीसीए, यही मैं बोल रहा था, प्रिवेंट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये आप देख सकते हो एकदम, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है सारे बैंकों की, 11 बैंकों की। तो कितनी बुरी हालत थी, और ये जो टर्म है, ये टर्म सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, राइट? आपका डॉक्टर मान लीजिए आपसे कहता कि गायत्री जी आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना है, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। तो इन राइट चीजों को तो इन चीजों को सबसे दो काम करने पड़े। सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी उसको अनकवर करना पड़ा। ये तो सबसे शर्म की बात है कि आज जो जो सरकार पे जो चिल्लाते रहते हैं कि यू नो डेटा ये डेटा वो डेटा छुपा रहे, सबसे ज्यादा डेटा तो आपके समय में छुपाया गया, शर्मानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद को अर्थशास्त्री कहते हैं, और ये है हालत कि 2013 तक, रघुराम राजन के आने से पहले तक, बैंकों में ऐसे क्या प्रॉफिट हो रहा था वो तो दिख ही रहा है, जैसे जैसे बही खाते खोले गए सब कुछ धड़ाम हो गया, शर्मानी चाहिए डॉक्टर सिंह को। और तो प्रॉब्लम को खोज के निकाला, इसका क्रेडिट इसका श्रेय रघुराम राजन को जाता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व किया इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी को जाता है, क्योंकि यू नो वही। एंड आई वुड एक्चुअली टेक अ मोमेंट टू गिव रियल क्रेडिट टू निर्मला सीतारमण, शी वाज हैंडेड अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, जो कि कोविड की वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, और आज जो चीजों को सॉल्व किया गया है उनमें शी डिजर्व्स अ वर्ल्ड ऑफ क्रेडिट, और ये बात कही जानी चाहिए। हां, सो अब जबकि ये क्राइसिस ओवर हो चुका है, अब हम थोड़ी सी चीर फाड़ करके पता कर सकते हैं कि ये हुआ क्या, ये क्राइसिस बना क्यों, ये बैड लोन्स क्यों बने। तो आप लोग बोलेंगे कि यार तुम तो अनभक्त हो, ये हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, ठीक है मुझ पर विश्वास मत करो, आप रघुराम राजन की बात सुन लो। रघुराम राजन यहाँ खुद साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो बैड लोन्स है वो यूपीए एरा से आए हैं। हाँ, अब रघुराम राजन ने साथ में बोल दिया कि बैंकों की गलती है। व्हाट डू यू मीन बैंकों की गलती है? पब्लिक सेक्टर बैंकों की गलती है? अरे पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर कौन बैठा हुआ है, उससे सवाल पूछो। तो वो फोन बैंकिंग की जो बात जो मोदी जी ने कही थी ना, कि फोन आते थे और लोन देना पड़ जाता था, तो अब उन्होंने इसमें बड़े ऑफकोर्स सार्कास्टिक तरीके में कहा था, जैसे बोलते हैं ना फोन अ फ्रेंड, तो उन्होंने कहा था फोन फोन अ अफेयर, बैंक, हाँ फोन अ तो फ्रेंड, फोन अ फोन अ बैंक, बैंक। हाँ तो फोन बैंकिंग, यही जो मोदी जी कहते थे ना फोन बैंकिंग। तो ये बात तो रघुराम राजन भी वही बात कह रहे, साफ साफ तो कह ही दिया कि लोन वेल कनेक्टेड प्रमोटर को दिया गया, यूपीए के काल में बैड लोन दिए गए वेल कनेक्टेड प्रमोटर्स को, तो इसका और क्या मतलब हो सकता है, ये तो कोई बच्चा भी समझ जाए कि रघुराम राजन कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ। तो इतनी जो भयावह स्थिति थी, और ये देश के सामने लाई जानी चाहिए। अब एक और फाइनल सवाल यहाँ पर उठाया जा सकता है कि अगर इतनी बुरी हालत थी तो सरकार ने देश को बताया क्यों नहीं, 14 में बताया क्यों नहीं, वो कही जाती है ना व्हाइट पेपर की बात कही जाती है। सो यहीं पर आपको समझनी पड़ेगी यूपीए की वो जो स्कॉट स्टर्थ वाली जो सोच है। देखिए अगर 2014 में अगर सरकार व्हाइट पेपर लेकर आती और कहती कि बैंकों की हालत इतनी खराब है, तो यूपीए तो चली गई ना, अब तो ठीकरा मोदी सरकार पे ही फूटता ना। देखिए बैंक कैसा होता है, अगर कोई अगर मोदी जी जाकर के अनाउंस कर देते कि मित्रों ये बैंकों की हालत बहुत खराब है और कभी भी फेल हो सकते हैं, तो क्या होने वाला है, सड़क पे भगदड़ मच जाएगी, दंगे हो जाएंगे, हर कोई भागेगा बैंक में अपने पैसे निकालने, तो वो बैंक तो 100% ही फेल हो जाएगा। तो मतलब इतनी बुरी हालत करके गई कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, हम पूरी दुनिया के सामने तो बता नहीं सकते ना, वो तो चले गए ना, वो तो अपना रायता फैला के। सो बेसिकली क्या हुआ, हिंदी में बहुत सिंपल मुहावरा है ना, रायता फैला के, वो तो अपना रायता फैला के निकल लिए। मनमोहन सिंह जो तो खुद रिटायर भी हो चुके हैं, अब उनको पूछने वाला तो कोई है नहीं, जो ठीकरा फूटेगा वो मोदी जी के सिर फूटेगा। वो 14 में आकर के कह देते कि देखो हमारे बैंक इतने लॉस में है, तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते, वो अपना पैसा निकाल लेते, जो डोमेस्टिक इन्वेस्ट डिपोजिटर है वो इमिडिएटली बैंक भागता, मैं भी भागता, अगर कोई मुझे बोल देता कि यू नो इस बैंक की हालत बहुत खराब है मैं फौरन भागता, भगदड़ मच जाती चारों ओर, तब हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होता। तो इतनी बुरी तरह हमारा हाल किया कि हम किसी को बताने लायक भी नहीं रहे। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाया, और आज जो पब्लिक सेक्टर बैंक खड़े हैं, और सिर्फ खड़े ही नहीं है, दे आर फ्लरिशिंग। आप देख सकते हैं कि सिर्फ पिछले साल में 1,04,000 करोड़ का
फायदा हुआ है. नॉट जस्ट दैट, आई शुड ऑल्सो मेंशन. यस अभिषेक, एक तो एनपीएस हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, कि फोन अ फ्रेंड हो गया, राइट? बिकॉज यू हैव सर्टेन कनेक्शंस टू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. सो व्हाट वाज डन बाय द यूपीए गवर्नमेंट जिससे वो लॉस में गया? क्योंकि 2010 तक, अगर आप जो हमने अभी शेयर किया है स्क्रीन पे, मैं एक बार और कर दूंगी, 2010 तक काफी ठीक ठाक थी कंडीशन, एंड देन अचानक से कंडीशन खराब हो गई. और मोदी सरकार ने क्या किया जिससे रिकवरी हुई? इन मतलब अगर मैं बोलूं ब्रीफली, यू नो, हाउ वुड यू एक्सप्लेन? जी देखिए, बैड लोन्स क्या होते हैं? आप किसी ऐसे को लोन दे रहे हैं जिसकी विश्वसनीयता कम है, या फिर कभी कभी विश्वसनीयता हो सकती है, बट पॉइंट इज कि लोन कितना दे सकते हैं. कोई मुझे 100 करोड़, 100 करोड़ का लोन तो कोई देगा नहीं, कि उसको पता है कि मेरी हालत ऐसी है ही नहीं कि मैं वो पैसे वापस कर सकूं. कि आप उसके जो एसेट्स हैं, उसका जो कोलेट्रल है जिसके नाम पे वो लोन ले रहा है, उसको आप असेस कीजिए. और मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मैं उस घर को गिरवी रख के 1 करोड़ रुपए उधार ले रहा हूँ. कोई कह देता है कि नहीं, इस घर की एक्चुअल कीमत है 50 करोड़ पर, तो उसकी इवैल्यूएशन बढ़ा करके. तो इस तरह से बैड लोन्स दिए जाते हैं. ऑफ कोर्स बैड, जब कोई लोन लेता है, आई डोंट बिलीव कि कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस वो पैसे लेकर भागने के इरादे से लोन लेता है. लेकिन बिजनेस साइकिल तो ऐसा ही होता है ना, एक अनसर्टेनिटी होती है, इसीलिए कोलैटरल होता है, इसीलिए ड्यू डिलीजेंस होता है, जो कि रघुराम राजन साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं किया गया. क्योंकि 2009-10 में हमें पता है कि क्राइसिस हुआ, बहुत सारी अनफोर्सीन चीजें हुई, इसीलिए तो आप ना विंग एंड अ प्रेयर आप इकोनॉमी नहीं चला सकते ना. तो इसीलिए वो जो लोन थी वो बैड हो गई, वो वापस नहीं कर पाए. और इन्होंने अपने इन्होंने बैलेंस शीट में चीजों को, बैंकों ने अकाउंटिंग ठीक से की नहीं, तो वो चीजें दब गई. सो जो लॉसेस थी वो अंदर छुप गई. टैक्स के हिसाब से आप देखो तो, और बाय द वे आई शुड टेल यू कि ये आज ही की खबर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, अब उसकी भी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो आज ही, और ये आज ही हुआ है, 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुकी है. सो एसबीआई तो है ही 5 लाख करोड़ पे बैठी है, और आज ही बैंक ऑफ बड़ौदा की वैल्यूएशन भी 1 लाख. और क्योंकि हमारे जो बैंक हैं वो इतनी अच्छी तरह रिकवर हुए हैं, तो उनकी स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा उछाल आया है. और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ईयर ऑन ईयर जो बैंक पीएसयू बैंक निफ्टी है, मतलब सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, वो 66% अप है ईयर ऑन ईयर, जबकि जो बैंक निफ्टी है वो सिर्फ 38% अप है ईयर ऑन ईयर. इसका मतलब क्या है कि मार्केट साफ साफ कह रहा है आपसे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक सारे बैंक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं. और ये मार्केट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केट का अपना वैल्यूएशन वो कह रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ. तो ये एक पॉइंट मैं कहना चाहता था. और सबसे आखिर में मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस मामले में बैंकों के बारे में आज आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कहते हैं तो एक झूठ फैल चुका है, बहुत दूर तक चारों ओर फैल चुका है. और आप किसी पर भी ये बात कहेंगे तो फौरन एक ट्रोल्स की फौज आ जाती है जो पूरी तरह मिस इन्फॉर्म है. और वो कहते रहते हैं कि राइट ऑफ की वजह से ऐसा हुआ है, इतने करोड़ का, इतने लाख करोड़ का, इतने हजार करोड़ का राइट ऑफ हो गया है. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही जो बात वो कह रहे हैं ना कि प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है कि राइट ऑफ हो गया है, ये बात आप जाकर के अपने आका रघुराम राजन से क्यों नहीं पूछते. रघुराम राजन कहते कि राइट ऑफ करने से प्रॉफिट होता है. नहीं भैया, राइट ऑफ करने से प्रॉफिट नहीं होता, राइट ऑफ करने से लॉस होता. राइट ऑफ जो है वो कर्ज माफी नहीं है, राइट ऑफ वो होता है कि जो पैसा आपका पहले से डूब चुका है वो आप स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा पैसा सच में डूब चुका है, इसका मतलब कर्ज माफी नहीं होती. सो जब आप राइट ऑफ कर सो जब राजन के आने के बाद हुआ क्या, क्यों राइट ऑफ करने पड़े? क्योंकि जब तक जो पैसा बैंकों का ऑलरेडी डूब चुका था, वो पैसा बैंक तब भी, सो बेसिक अकाउंटिंग ट्रिक क्या हुई, यही तो बेसिक अकाउंटिंग ट्रिक थी. जो पैसा बैंकों का डूब चुका था बैड लोन्स में, और वो बैंकों को भी एसेंशियली बहुत हद तक पता था, एटलीस्ट कुछ हद तक तो जरूर पता था, लेकिन उन्होंने वो पैसा अपने बैलेंस शीट से हटाया नहीं, और जी इसीलिए उनकी बैलेंस शीट आर्टिफिशियल तौर पर मजबूत लग रही. तो उस पैसे को राइट ऑफ करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि ये पैसा आपका डूब चुका है. तो ये पैसा, ये जो स्वीकार करना पड़ा, ये जो राइट ऑफ, यही तो काम था, यही तो सरकार और आरबीआई का काम था 2014 में पावर में आने के बाद. तो ये काम मोदी सरकार ने किया, और चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक झूठ फैला दिया गया कि क्योंकि ये राइट ऑफ एंड मोदी के जमाने में हुए है, तो इसका मतलब मोदी ने कर्ज माफ कर दिया. तो यही चीज, ये चीज मैं कहूंगा स्पेशली फॉर ट्रोल्स, क्योंकि ट्रोल्स को ये बात पता नहीं है, उनके दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन भर दिया गया, और वो हर बार आकर के कहते हैं अरे राइट ऑफ हो जाएगा फिर तो कोई प्रॉफिट में चला जाएगा. नहीं, राइट ऑफ होने से नुकसान होता है, राइट ऑफ इज अ लॉस. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाकर के, अगर किसी में हिम्मत है, जाकर के अपने आका रघुराम राजन से पूछो, सर राइट ऑफ करने से लॉस होता है या प्रॉफिट. आई नो उनमें कोई शर्म बाकी नहीं है, लेकिन आई थिंक ही विल स्टिल एडमिट कि ऐसा नहीं होता. ना
जी सो अभिषेक, अगर मैं बोलूँ 4-5 पॉइंट्स में, तो व्हाट आर द थिंग्स मोदी गवर्नमेंट डिड इन ऑर्डर टू मेक दीज बैंक्स मोर सस्टेनेबल एंड इन प्रॉफिट? जी देखिए, सबसे पहले तो बैंकों को रिकैपिटलाइज करना पड़ा कि उनमें से फिर से पैसा भरना पड़ा। अब आप इस फैसले को अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। जो कुछ बैड बैंक्स थे, कुछ बैंकों की जो हालत थी, जो खराब थी, आप देख सकते हो कि उस समय 21 पीएसयू बैंक थे, अभी कम हो गए, राइट? इनफैक्ट आई थिंक अभी 12-13 ही है। सो जिन बैंकों की हालत अच्छी नहीं थी, उनको ऐसे बैंकों के साथ मर्ज करना पड़ गया जिन बैंकों की हालत अच्छी थी। अब एक तरह से ये भी एक रिस्क है, क्योंकि आप जिस बैंक की हालत खराब है उसको अच्छे बैंक के साथ मिलाओगे तो हो सकता है जो नया बैंक बने उस पूरा बैंक ही खराब हो जाए, जो सड़ान है वो और फैल जाए। तो ये एक तरह से रिस्क है। तो मतलब ये जो काम है ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है, राइट? क्योंकि एक बैंक की हालत खराब है, उसको एक अच्छे बैंक के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा ना कि जो जो अच्छा वाला बैंक है वो भी बर्बाद ना हो जाए। आपको इतने केयरफुली इस पूरे चीज को, इस पूरे काम को करना है कि जो कंटेजियन जिसको कहते हैं, क्यों ना, जो फैल रही है, जो इन्फेक्शन जो है एक बैंक का, वो दूसरे में ना चला जाए। अच्छे बैंक का इफेक्ट बुरे बैंक पे पड़े, ना कि बुरे बैंक का इफेक्ट अच्छे बैंक पे करे। तो इसको करना, दिस वाज अ वेरी हाई स्किल टास्क। ये काम बहुत ध्यान से किया गया है, बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन के साथ किया गया है, और तभी जाकर के ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये अभी प्रॉफिट में आए हैं। एंड नॉट ये ओनली चीज दैट, हमारे हमारे जैसे देश में जब आप बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर रहे, रिकैपिटलाइज मतलब क्या, नया पैसा आप भर रहे हैं, पैसा आप ले करके आ रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर, तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि करेंसी में फेथ कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो आप डूबा हुआ जो पैसा है उसको आप नए पैसे से रिप्लेस कर रहे हैं। पैसा तो आप चांस से तो नहीं लेकर आ रहे हैं ना, वो आप छाप के निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि लोगों की फेथ ही ना रहे, करेंसी डूब जाए, इकोनॉमी डूब जाए, और सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन हो जाए। सो बट ऐसा हुआ नहीं, हमने देखा इस चीज को कंट्रोल में रखा गया। अभिषेक, ये एक चीज और किया गया, क्योंकि मैं मतलब आई कम टू इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी 2 ईयर्स। इन्होंने जो रोटेशन ऑफ मैनेजर्स है ना, वो बड़ी फास्ट कर दी है, किसी को टिकने नहीं देते आप एक जगह। पहले क्या होता था, ये हो पंद्रह सकता है, पंद्रह दस ये दस सब तो साल हो सकता है, ये सब तो माइक्रो मैनेजमेंट की चीजें हैं, मुझे नहीं पता उसके ठीक से नो, राइट। बट इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई एम टेलिंग यू। एंड द रीजन बीइंग क्या होता है कि जैसे आप मैनेजर को फोन करो, सर नहीं, मैं ये समझ वाला रहा करने हूँ, का काम, यू मैं नो, आपकी बिकॉज आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। हो बिकॉज सकता जब एक है, ये हो एक सकता एक मैनेजर या एक एंटिटी बैठ जाता है एक जगह पे लंबे टाइम से, सो ही नोज ऑल द करोड़पतीज और ऑल द बिजनेसमैन अराउंड, बिकॉज यू नो दे टेंड टू हैव अ पर्सनल टच, कि भाई मैनेजर है तो थोड़ा सा बातचीत ज्यादा है। हो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स रियली मैटर, एंड इट ये रिक्वायर्स हो माइक्रो सकता है, मैनेजमेंट या हो एंड सकता मैक्रो व्यू ऑल्सो, लाइक समबडी सिटिंग ऑन द टॉप एंड कीपिंग एन आई। अच्छा, लाइक हु इज, यू नो, कहाँ से ज्यादा लोन का एप्लीकेशन आ रहा है, हु इज द मैनेजर सिटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दीज आर वेरी, आई नो इट्स माइक्रो मैनेजमेंट, बट इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट। या नो, इट कैन हैव दिस कैन बी अ थिंग, यस। और अंत में जस्ट इन कंक्लूजन मैं वही चीज कहूंगा जो मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट पे कही थी कि रघुराम राजन ने 2014 में सरकार से चुपचाप कहा था कि 1,000 का नोट इन्फ्लेशन से खत्म हो रहा है, आप 10,000 का नोट प्रिंट कीजिए। अब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि रघुराम राजन को इतना डर क्यों लग रहा था, कि अचानक से 10,000 के नोट की जरूरत क्यों पड़ सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब बैंकों का जब खाता, क्योंकि खाता तो रघुराम राजन खोल के पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हालत है, तो इसलिए उनको लगा कि 1,000 का जो नोट है वो जल्दी ही उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप 10,000 के नोट छापना शुरू कर दीजिए। तो अच्छी बात है कि 10,000 के नोट की जरूरत नहीं पड़ी। हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसा हो सकता था वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तो 2,000 का नोट भी वापस हो गया, वो भी 9 साल बाद, और कोई भगदड़ है नहीं, क्योंकि 2,000 का नोट तो कोई इस्तेमाल करता है ही नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती मार्केट में, कोई लेगा भी नहीं, गालियां देगा आपको आप लेकर के जाओगे आपको तो। पता है, अचानक रातों रात 88,000 करोड़ हैव वैनिश्ड फ्रॉम द नहीं, मार्केट आई जस्ट शुड बिकॉज टू नहीं आई थाउजेंड नहीं आई रुपीज शुड नोट्स नो हैव। नो आई शुड पॉइंट दिस आउट टू गायत्री, दैट वाज एक्चुअली अ मिस्टेक। वो आरटीआई में गलत इंफॉर्मेशन छप गई थी, आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि द होल मनी इज अकाउंटेड फॉर। सो वो एक फ्रेंजी रही, वो एक दिन 24 घंटे की, जैसे ही ये चीज मीडिया में चारों तरफ ये थोड़ा सा फेक न्यूज फैल गया, हाँ इसमें कुछ आरटीआई से ही कुछ गलती हो गई थी, बट आरबीआई हैज करेक्टेड इट एंड दे हैव सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इट इज एवरी पैसा इज फुल्ली अकाउंटेड फॉर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राइट, द पॉइंट टू बी नोटेड इज, अभिषेक, जाते जाते एक आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पीक ऑनलाइन ऑन दिस। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी वर नॉट दैट पुअर एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000, सॉरी 1950, 60, 70, 80, 90। हम नब्बे, जब यस, जब हम हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, हमारा इतना बुरा हाल नहीं था। मतलब हम 1947 में यहाँ थे, 70 साल हम यहाँ थे, और फिर अब 2023 में हम वापस उस
1947 की पोजीशन में वापस आने हैं. यस एंड एज एन इमेजिन व्हाट इंडियन कांग्रेस हैव डन हाँ, इन और दिस. ये चीज एक्चुअली वी शुड एक्सप्लेन, क्योंकि कोई भी व्यूअर जिस पहली बार देख रहा है वो सुन के वो चौंक जाएगा, क्योंकि ऐसा मिथ बना दिया गया है। ये चीज जब मुझे भी पता चली मैं भी घबरा गया पूरी तरह। बट द फैक्ट इज कि आप चेक कर सकते हैं, 1950s में भारत दुनिया की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, 1991 आते आते वो सिक्स से ट्वेल्थ हो गया। सो 1950 और 91 के बीच में, ये एक सच्चाई है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए, 50 और 91 के बीच में हम लोग ऊपर नहीं जा रहे थे, हम लोग नीचे जा रहे थे। सिक्स लार्जेस्ट से हम ट्वेल्थ लार्जेस्ट पे आ गए 91 तक, और अभी 2023 में हम वापस फिफ्थ पे पहुंचे हैं। 2014 में हम 10th पे थे, अभी 2023 में हम फिफ्थ पे हैं। IMF कहता है कि 2027 तक हम थर्ड पे पहुंच जाएंगे। सो ये चीज याद रखें हमेशा कि हम इंडिपेंडेंस के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं नीचे की तरफ गई, और सिर्फ GDP रैंक में ही नहीं, पर कैपिटल GDP में भी यही हाल हुआ। जब 1950 में एक इंडियन इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी वर्ल्ड के पर कैपिटा जीडीपी की 18% हुआ करती थी, मतलब फॉर एवरी डॉलर, हर डॉलर जो पूरी दुनिया में कोई कमाता है ऑन एन एवरेज, एक इंडियन सिर्फ 18 सेंट कमाता है, डॉलर के 18 सेंट। 91 आते आते तो क्या ये 18 सेंट बढ़ गया? नहीं, 18% जो करता था वो 6% हो गया। मतलब अगर एक डॉलर कमाता है दुनिया में कोई, तो एक इंडियन बेचारा सिर्फ 6 सेंट कमा रहा है। 1950 में वो 18 सेंट कमाता था, 91 में वो 6 सेंट पे आ गया, मतलब 3 गुना गरीब हो गया। तो ये चीज हमें ठीक से बताई नहीं जाती, क्योंकि ऐसा मिथक बना दिया जाता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, ऑफकोर्स कॉलोनियलिज्म के बाद हालत बहुत खराब थी, लेकिन 91 में उससे भी बुरी हालत थी। हम 1991 में, तो 1950 से एक 3 मिनट गुना अभिषेक, ज्यादा गरीब अभिषेक थे। होल्ड होल्ड होल्ड. हम जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट में कवर करते हैं कोई भी चीज. आइसोलेशन 1947 में दुनिया भी बहुत गरीब थी, तो उनकी गरीबी के अकॉर्डिंग भी हम फिर भी बेटर थे. तो मतलब उन पिछले दशकों में, द लास्ट डिकेड्स में, द वर्ल्ड मूव्ड मूव्ड फास्टर व्हाइल इंडिया वाज गोइंग डाउन, राइट? दुनिया काफी, दुनिया आगे बढ़ती गई, हम पिछड़ते चले गए, इसलिए दूसरों के कंपैरिजन में तुलना है ना, दूसरों के कंपैरिजन में हम 18 सेंट कमाते थे 1950 में, वो 6 सेंट रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि दुनिया तरक्की कर गई, हम वहीं रह गए, हम 1950 के लेवल के नहीं, आसपास ही हम रह डाउन गए। जा रहे थे. हाँ इसे, हम हाँ बढ़ तो इसे, ही हाँ नहीं तो रहे, हम रिलेटिव डाउन में, ही जा रहे थे. सो रिलेटिव में हम डाउन होते चले गए, राइट? तो रिलेटिव में हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि और ये चीज हर चीज बात में रिफ्लेक्ट होती है। एक और अस्टाउंडिंग डेटा मैं आपको बताऊंगा, 1966 में हमारे देश में हर 37,000 लोगों के लिए एक सरकारी सीट होती थी मेडिकल कॉलेज में। सो या सो सोचिए, 37,000 पीपल पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट थी। आपको पता है 2013 में ये नंबर कितना था? हर 55,000 पे एक सरकारी मेडिकल सीट। तो आप सोचिए, 1966 में 37,000 लोगों को, हर 37,000 लोगों को एक मेडिकल सीट मिलती थी सर, गवर्नमेंट मेडिकल सीट, वो 55,000 पे वन हो गया 2013 में। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार, गवर्नमेंट वाज प्रोड्यूसिंग लेस डॉक्टर्स इन 2013 देन इन 1966। कोई भी इंसान ये सुनेगा तो वो सबसे पहले चौंक जाएगा, फिर बुरी तरह से शर्मसार हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग लेसर डॉक्टर्स इन 2013 रिलेटिव टू पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वी वर प्रोड्यूसिंग लेस डॉक्टर्स इन 2013 दैन इन 1966। ये सोच के कोई घबरा जाए कि ऐसा पॉसिबल है क्या? हम 66 से पीछे थे 2013 में। Wow. We were going back in time while the We world were was going moving back ahead. in time. We were going back in time. हम पीछे जा रहे थे। इसका रीजन ये हुआ कि 1970 और 1990 के बीच में हमारे देश में सरकार सिर्फ 18 मेडिकल कॉलेज खोल पाए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे। कोई भी चीज आपको करनी है, इंटेंट से सिर्फ नहीं होता ना, उनके पास पैसे, पैसे के बिना तो कोई चीज हो नहीं सकती ना। तो जब आपका देश 3 गुना गरीब होते जा रहा है, तो सरकार के पास डॉक्टर बनाने का, मेडिकल कॉलेज खोलने का, ये सब पैसे कहां से आएंगे? सो जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो आपका देश पिछड़ता ही जाएगा, पिछड़ता ही जाएगा। यही चीज हुई, हर एंगल से हुई। राइट. थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड कमेंट्स के पिन सेक्शंस में मैं अभिषेक का ट्विटर हैंडल ला दूंगी. ही इज वेरी वाइडली नोन ऑन ट्विटर. प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम देयर. ही राइट फैंटास्टिक आर्टिकल्स आउट देयर. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू अभिषेक.